स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह, क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं वो तीन होते हैं, नेचर के बेस पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें जैसे एनिमल रियरिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब आता है। और सेकेंडरी सेक्टर में जो क्रॉप से बिस्किट्स उस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर में जो सर्विस के लिए, जैसे कोई किसी दुकान पर बिस्किट बिक रहा है तो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बेस पर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड कंडीशन होती है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, जिसमें कोई जो भी टर्शियरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वो होता है। ऑर्गेनाइज्ड में समय से हमको समय से सैलरी मिलना, समय से वर्किंग करना, ये सब चीज़ें आती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई टाइमिंग नहीं होता है, ये तो कंडीशन के बेस पर हो गया। और ओनरशिप के बेस पर प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप के बेस पर। या प्राइवेट वर्किंग में जैसे फार्मर है, वो अपने खेतों में जाएगा, जाए चाहे ना जाए, वो प्राइवेट में आ गया। पब्लिक में क्या आ गया, जैसे जो बैंक है वहाँ पर वर्किंग करना है, और वो पब्लिक में आएगा। टर्शियरी सेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सर्विस एंड गुड्स। सर्विस, टर्शियरी सेक्टर में सर्विस क्या होता है, जैसे आप जो है बार्बर के यहाँ गए अपना बाल कटवाने, तो ये सर्विस में आएगा। गुड्स में क्या आएगा, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं दुकान से, वो गुड्स में आएगा। और इसी से GST बना है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सर्विस टैक्स, GST। तो टर्शियरी सेक्टर में जो टैक्स लगता है उसको हम GST बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, थैंक यू। ये वीडियो यहीं खत्म होता है।